तो फिर चलिए लहराते हैं आपके लिए भी एंटरटेनमेंट का दुपट्टा और लेकर चलते हैं अब आपको हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जो है आपका फेवरेट, जहां हम करवाते हैं एक सितारे से आपकी मुलाकात। कौन है ये? मैं नहीं बताऊंगी आपको, लेकर चलते हैं आपको सीधा इनके पास। नाविका कोटिया टीवी और फिल्मों में अपने किरदारों से जीता दिल। भाई नाविका फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में लेट श्रीदेवी संग काम कर चुकी है। इसी फिल्म में उनके भाई शिवांश भी है। भाई इस फिल्म में ये असली भाई बहन की जोड़ी बड़े पर्दे पर भी बने हैं भाई बहन। इसके अलावा नाविका ने सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में भी काम किया है, जिसमे उनके भाई शिवांश ने छोटे नक्श का किरदार निभाया था। यानी भाई बहन की जोड़ी स्क्रीन पर साथ साथ दिख चुकी है और अब नविका नजर आएंगी अमेजॉन मिनी टीवी की वेब सीरीज स्कूल फ्रेंड्स में, जिसमें वो निभा रही हैं स्तुति का किरदार। और आज सास बहू और बेटिया में हम करेंगे नविका की रियल लाइफ में ताका झांकी, जानेंगे उनके टैलेंट्स के बारे में, मिलेंगे उनकी मम्मी से और करेंगे नविका के होम स्वीट होम की सैर। तो चलिए सबसे पहले करते हैं नविका के घर की सैर उन्हीं के साथ, जहां वो बता रही हैं कि उनके इस घर को सभी ने कितने प्यार से मिलकर सजाया है। सो ये है हमारा होम स्वीट होम, दिस इज माय लिविंग रूम, ये हमारा सीटिंग एरिया है, दिस इज आवर टीवी एंड दैट इज माय सिल्वर प्ले बटन एंड ये हमारा डाइनिंग एरिया है। सो बेसिकली हमने जब अपना घर बनाया था तो हमने बहुत अरमानों से इसे सजाया था एंड अगर आप देख सकते हैं तो हमारा थीम बेसिकली वाइट है, हमारा पूरा घर वाइट है और हमने हर रूम में एक पॉप ऑफ कलर दिया है। सो फॉर दिस हाउस, दिस रूम, आवर लिविंग रूम, द पॉप ऑफ कलर इज वुड ब्राउन बेसिकली। तो हमारा पूरा हॉल वाइट एंड ब्राउन है एंड या सो दिस इज आवर सिक्स सीटर डाइनिंग टेबल, उस पर ये लाइट्स है, वहाँ पे हमने कुछ शो पीसेस वगैरह रखे हैं। ये बस ऐसे डेकोरेटिव सा सामान है, दीज आर लिटिल बेबी कुंग फू प्लेयर आई गेस, और ऊपर वहाँ हमारे अवार्ड्स वगैरह रखे हुए हैं एंड या ये भी एक अवार्ड है। बहुत ही स्पेशल फ़ोटो फ्रेम है हमारी। बेसिकली मैं और शिवांश, मेरा छोटा भाई, हम दोनों बचपन से एक्टिंग करते आ रहे हैं, तो ये हमारे कुछ वो यादगार पल है विथ सम फेमस सेलिब्रिटीज़ एंड ग्रेट आर्टिस्ट जिनके साथ हमें काम करने का मौका मिला। तो ये हमारे बचपन की ही फ़ोटोज़ हैं, काफ़ी पुरानी हैं ये फ़ोटोज़, तो हमारे पेरेंट्स ने सोचा कि हमें उनको साथ में एक मेमोरी की तरह कैप्चर करके कोलाज बनाना चाहिए। सो दैट इज़ व्हाट दैट पिक्चर इज़। सबसे पहले तो बीच में है मिस्टर अमिताभ बच्चन, जिनके साथ हमने इंग्लिश विंग्लिश में काम किया था। हमारा साथ में सीन तो नहीं था बट ऑफकोर्स वी हैड द अपॉर्चुनिटी टू मीट हिम, तो वो है। उनके बाजू में है श्रीदेवी मैम, जिनके हम दोनों ही बच्चे बने थे, मैं और मेरा भाई, ऑन स्क्रीन भी भाई बहन थे एंड इट वॉज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, तो वो तो इस फोटो में होना ही था। एंड देन ऊपर रॉब है फ्रॉम मैड, जो पोगो पे आता था एज किड्स, उनके बाजू में महेश मांजरेकर, नाना पाटेकर, राइट में आमिर खान, नीचे आर बालकी सर, उसके नीचे जेनेलिया डिसूजा, कपिल शर्मा, अक्षय कुमार, बहुत सारे और भी डायरेक्टर्स, संजय कपूर, अनीस बाजमी, जे डी मजेटिया सर, बहुत बहुत सारे लोग हैं एंड ये तो बस कुछ ही पिक्चर्स हैं जो हम उस कोलाज में डाल पाए थे। सो या कोइंसिडेंस तो नहीं था, हम दोनों ने इसके लिए ऑडिशन दी थी, तो जब शिवांश और मैं अलग अलग शोज़ की शूट कर रहे थे तो हम साथ में ऑडिशन देने तो नहीं जा पाए थे, बट जब शिवांश ने ऑडिशन दी थी उसके बाद उसको जब सेकंड राउंड के लिए बुलाया था तब मेरी भी ऑडिशन ली गई थी एंड लकीली उनको हम दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी लगी एंड हम दोनों सेलेक्ट हो गए एंड फिर हम साथ में ही गौरी मैम से मिले थे जो हमारी डायरेक्टर थी। तो हाँ, कह सकते हो कोइंसिडेंस, बट हम दोनों ने ऑडिशन दी थी।
वहाँ पे उन्हें पता चला कि हम दोनों रियल भाई बहन हैं एंड दे वर वेरी हैप्पी. उनको भी अच्छा लगा कि यू नो वो बॉन्डिंग ऑलरेडी दिख जाएगी स्क्रीन पे एंड उनको हम दोनों की परफॉर्मेंस भी अच्छी लगी. सो दे वर वेरी हैप्पी विद इट एंड वी वर टू. एक्चुअली मेरी मॉम श्रीदेवी मैम की बहुत बहुत बड़ी फ़ैन है. मैं बचपन मतलब मैं ज़्यादा पुरानी पिक्चरें नहीं देखती हूँ तो मुझे श्रीदेवी मैम के बारे में जितना भी पता था वो सब मेरी मॉम की वजह से था. एंड शी वॉज सच अ बिग फैन कि उनको उनके हर मूवी का हर डायलॉग हर गाना कुछ भी याद है. मतलब आप उनको पूछो ये गाना कौन सी मूवी का है वो बता देगी, उसके डायलॉग्स भी बता देगी. तो उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि उनके दोनों बच्चे श्रीदेवी मैम के बच्चे बने हैं एक मूवी में. तो मेरी मॉम इतनी खुश थी इसलिए हम दोनों भी बहुत ज़्यादा खुश थे. एंड ऑब्वियसली उनके साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी इज़ अ लाइफ टाइम चांस. ये साइकिल एक्चुअली एक शोपीस है जो हम जब ये घर बना रहे थे तो हमने काफ़ी सारे शॉप्स में अलग अलग शोपीसेस देखे थे. तो हमने पहले एक पेंटिंग वहाँ रखी थी, फिर वो हमें अच्छी नहीं लग रही थी तो वो हटा के फिर हम ये लेकर आए थे. तो ये एक बड़ा ही क्लासिक सा पीस लगता है मुझे. ये एक्चुअली बहुत एक्सपेंसिव, इट्स ऑलमोस्ट एज एक्सपेंसिव एज एन एक्चुअल साइकिल. बट जब आप एक घर बनाते हो ना तो आपकी जेब खुली होती है, तब आपको पूरा शौक होता है कि ये भी खरीद लो वो भी खरीद लो. तो इसलिए एक साइकिल ले लिया. ऐसे तो हमने एक इंटीरियर डिज़ाइनर रखा था बट मुझे ऑनेस्टली इंटीरियर डिज़ाइनिंग का बहुत शौक है. आई वॉज इवन कंसिडरिंग स्टडिंग इट बट ऑब्वियसली आई चूज समथिंग एल्स. बट हमने सबने मिलकर ही डिसाइड किया, आर इंटीरियर डिज़ाइनर माई मॉम एंड आई, तो या वी वॉन्टेड टू मैच इट विद दी ब्लैक इन द डाइनिंग टेबल. हमारा क्रॉकरी भी ब्लैक एंड वाइट है बट आर हॉल इज़ ब्राउन एंड वाइट. तो उससे मैच करते हुए वी बॉट दिस. इट वॉज इट्स अ नाइस स्पॉटलाइट. आपको कैंडल लाइट डिनर करने की ज़रूरत नहीं है. सारी लाइट्स बंद करके सिर्फ ये लाइट ऑन करोगे तो वैसा ही फील आता है कि आप एक कैंडल लाइट डिनर कर रहे हो. इट्स जस्ट इट एड्स अ लिटिल मोर कलर टू द प्लेन वाइट वॉल, क्योंकि सोफा भी वाइट है, टेबल भी वाइट है, फ्लोर्स भी वाइट है, वॉल भी वाइट है. तो वी वॉन्टेड समथिंग अ लिटिल कलरफुल हियर, दैट्स इट. विंड चाइम है. हमने बाहर थोड़े पॉट्स भी रखे हैं. एज यू कैन सी वहाँ पे एक पॉट है, यहाँ पे एक पॉट है और यहाँ हमने नेट लगा रखा है सो दैट शाम को ज़्यादा कीड़े वगैरह ना आए. जो नेट पूरा ऐसे खुल जाता है लाइक इफ यू स्लाइड इट तो वो पूरा हट जाता है. बट या ऑल्सो एक फन फैक्ट, मुझे ना एक्चुअली बर्ड्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा, स्पेशली पिजन्स. तो जब ये घर बन रहा था तो सबसे पहली चीज़ जो हमने इस घर में लगवाई थी वो थी ये जालियाँ, ताकि कोई भी पिजन या कोई भी बर्ड घर के अंदर ना आए. क्योंकि अगर बर्ड घर में बर्ड है तो मैं घर के बाहर रहूँगी, इसलिए. सो व्हेन वी वर मेकिंग द हाउस आई वॉन्टेड कि ये सबसे पहले लग जाए. एक्चुअली ये है हमारा मंदिर है, दिस इज़ आर टेम्पल. ये टेम्पल की सब सामग्रियाँ हैं. तो हमने बहुत ही सिंपल सा एक छोटा सा मंदिर बनाया है जिसमें हमने ज़्यादा डेकोरेशन नहीं किया है, बस मूर्तियाँ रखी है. हम सभी भगवानों में मानते हैं तो सब भगवान की छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं. एंड यहाँ पे हम पूजा करते हैं हर रोज़, घर से जब निकलते हैं किसी भी अच्छे काम के लिए तो यहाँ से दर्शन करके ही निकलते हैं. तो इसलिए हमने यहीं पे कृष्णा जी की और नंदी गाय की और गणेश जी की छोटी छोटी मूर्तियाँ रखी है. तो जो ऊपर है वो एक्चुअल मूर्तियाँ हैं जिनमें हम पूजा करते हैं और ये जो है गिफ्ट्स है जो हमें मोस्टली हाउस वार्मिंग में मिले थे. और उसके नीचे नटराज महाराज की एक मूर्ति है. सो बेसिकली एक्चुअली आई एम अ भरतनाट्यम डांसर. मैंने भरतनाट्यम में अपना आरंगेत्रम किया है, सो आई हैव अ मास्टर्स डिग्री. तो जब मेरा आरंगेत्रम हुआ था तब मेरे गुरु ने मुझे ये मूर्ति जो है नटराज की वो गिफ्ट की थी. तो उसे हमने यहाँ रखा है और ये बस एक शोपीस ही है. सो दिस इज़ आर कॉरिडोर. यहाँ पे तीन रूम्स हैं हम अलग अलग मेंबर्स के लिए. और ये हमारा एक यूनिट है कॉरिडोर के बीच में जो बेसिकली अगर खोलोगे आप तो ये हमारा आयनिंग यूनिट बन जाता है. हम यहाँ पे अपने कपड़े आयन करते हैं. बाकी ये वाइट जितने भी है सेक्शंस ये सब स्टोरेज के हैं. यहाँ पे हम अपने शूज़ या कोई भी एक्स्ट्रा सामान होता है वो रखते हैं. और ये है मेरे मॉम के सबसे फेवरेट शो पीसेस. ऐसे चार है, ये पूरा सेट है. एंड जब भी घर में कोई मेड क्लीनिंग करती है या हम लोग यहाँ पे कुछ भी खेलते हैं एक्टिविटी करते हैं, मेरी मॉम बोलती है प्लीज़ बी केयरफुल, अगर इसको तोड़ा तो मैं तुम्हें तोड़ दूँगी. सो या दैट इज़ इट. एंड यहाँ पे हमने बस ऐसे ही शो पीस के लिए कुछ लगाया है. एंड ये पेंटिंग अगर आप रिकग्नाइज कर सकते हो, सो दिस इज़ बेसिकली द पेंटिंग फ्रॉम द मूवी वेलकम. तो मैं और मेरा भाई हम दोनों ही वी आर सकर्स फॉर कॉमेडी. हमें कॉमेडी फिल्म्स बहुत पसंद है. तो शिवांश के एक फ्रेंड ने उसे ये पेंटिंग गिफ्ट की थी क्योंकि उसको वेलकम बहुत पसंद है. सो या बिलीव
लिविंग रूम तो देख लिया, अब चलते हैं नविका के भाई शिवांश के रूम की तरफ, जिसे शिवांश ने बड़े ही प्यार से सजाया है। जब हमने घर बनाया था तब शिवी बहुत छोटा था, तो तब हमने उसको एक पूरा सेक्शन दिया था टू डिस्प्ले हिज टॉयज, जो अभी भी उसने बहुत मेंटेन किया है। अगर आप उसे पूछो कि क्या मैं ये किसी कज़न को दे दूँ या कुछ, नहीं, वो भले 18 साल का हो गया, वो इनसे खेलता नहीं है, बट दीज आर हिज प्राइज्ड पोजेशंस। वो बचपन में बहुत रोता था मुझे हॉट व्हील्स चाहिए, तो ये सारे उसके हॉट व्हील्स हैं, और बाकी रिमोट कंट्रोल कार्स है, आयरन मैन फिगर्स है, और नीचे और भी ऐसे टॉयज है जो उसको हैप्पी मील वगैरह में मिलते थे। ये हर लड़के का प्राइज्ड पोजेशन, जैसे लड़के अपना मेकअप और ये सब सवार के रखती है, वैसे लड़के अपने खिलौने, अपने रिमोट कंट्रोल कार्स, ट्रांसफॉर्मर्स, ये सब उसको, ये उसको काफ़ी ज़्यादा ये रिश्ता के सेट पे गिफ्ट्स भी मिले थे जो उसके कोस्टार्स थे, जैसे हीना खान, और उन्होंने उसको बर्थडे पे ये सब दिए थे। तो या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हिम। आइए मैं आपको उसका बाकी का रूप दिखाती हूँ। तो मेरे भाई को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, तो ये तो हमने उसको कैसे तैसे रोका है कि भाई इतनी बुक्स काफ़ी है फॉर वंस, उसका बस चले तो पूरे कमरे को किताबों से ही भर दे। इज अ बुक वॉर्म, बट या ये काफ़ी अलग अलग टाइप की किताबें हैं, फ्रॉम थ्रिलर टू सेल्फ हेल्प। बस ऐसे ही थोड़े टॉयज़ वगैरह है, ये उसके मेडल्स हैं। उसको स्पोर्ट्स का, साइकिलिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो ही इज़ अ प्रोफेशनल साइकिलिस्ट नाउ, कैन यू बिलीव दैट। तो वो 100 किलोमीटर साइकिल चलाता है, तो ये हाँ 100 किलोमीटर्स एट वंस वो साइकिल चला लेता है, एंड वो फुटबॉल भी खेलता है, तो ये सब उसके मेडल्स वगैरह हैं। ये उसकी स्टडी टेबल है, उसने कुछ तो नोट्स लिख रखे हैं यहाँ पे। एंड या उसका रूम भी वाइट है विथ ऑलिव ग्रीन एज द पॉप ऑफ कलर, तो ये एक एक्सेंट वॉल है जिसपे हमने उसकी प्यारी सी एक फ़ोटो लगाई है बचपन की। ये मॉम का आइडिया था बेसिकली, तो उन्होंने ये सेम चीज़ मेरे रूम में भी लगाई है। एंड लोग काफ़ी हंसते हैं हम पे, कभी कभार मजाक उड़ाते हैं हमारे फ्रेंड्स की, खुद की फ़ोटो अपने बेड के ऊपर कौन लगाता है, बट ये हमारे मॉम डैड का प्यार है, तो क्या करें। ये दोनों शिवांश ही है। सो एक्चुअली हमारे यहाँ पे बच्चों का मुंडन तब होता है जब वो 4 साल के होते हैं, तो 4 साल में उनके बाल बहुत बढ़ जाते हैं, तो ये शिवांश की बिफोर एंड आफ्टर फोटो है। ये बिफोर मुंडन है जब उसके बाल ऑलमोस्ट इतने लंबे थे और वो लड़की लगता था, और ये राइट आफ्टर मुंडन जब वो टकलू हो गया। बट बहुत ही क्यूट सा मोमेंट है ये, तो इसलिए हमने इसे कैप्चर करके एक फोटो फ्रेम बना रखी है। अब करते हैं एंट्री नविका के रूम में। नविका ने अपने इस रूम को अपने हिसाब से ही सजाया है। नविका बहुत अच्छा डांस करती है, गिटार बजाती है, तो आइए चलते हैं नविका के इस रूम में जानने के लिए कैसा है उनका कमरा। अब आइए मैं आपको मेरा रूम दिखाती हूँ। टाडा, सो ये है मेरा रूम। एंड मैं आपको सबसे पहले मेरे रूम का सबसे फेवरेट पार्ट बताती हूँ, जो है मेरा बेड। मुझे सॉफ्ट मैट्रेसेस बहुत पसंद है, सॉफ्ट पिलो, सॉफ्ट कुशंस, और ये एक सॉफ्ट टॉय है जो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने अभी मुझे रिसेंटली गिफ्ट किया था जब वो आई थी मुझसे मिलने, तो मैं इसी को हक करके सोती हूँ एक बहुत ही मस्ती चद्दर में। सो माई बेड इज़ माई फेवरेट पार्ट। उसके बाद दिस इज़ माई क्लॉजेट। सो ये ऐसे स्लाइड होता है, एंड आप देख सकते हो ऊपर नीचे हर जगह बहुत सारे कपड़े हैं, एंड फिर भी मैं रोती हूँ कि मेरे पास कपड़े नहीं है, और मेरी मम्मी मुझे डांटती है कि तेरे पास कितने कपड़े हैं। ये तो अभी बहुत रीसेंट है, ये मैंने अभी जस्ट खरीदे थे, बट यहाँ जगह नहीं थी रखने की, इसलिए मैंने उनको यहाँ ऊपर रख रखा है। और इसमें भी बहुत सारे कपड़े हैं जो मैं पहनती रहती हूँ, आई कीप रिपीटिंग माई आउटफिट्स, बट इन सच अ वे कि किसी को पता ना चले कि मैंने रिपीट किया है, मिक्स मैच करके। तो ये सारे मेरे पीछे ड्रेसेस हैं, आगे टॉप्स हैं, बीच में जैकेट्स हैं, और नीचे मेरी शॉर्ट्स और स्कर्ट्स हैं। वहाँ मेरा योगा मैट रखा है जिस पर मैं एक्सरसाइज करती हूँ यूजुअली रूम में। सो दिस इज़ अ ग्रीन टॉप ऑफ माइन, जो मेरा फेवरेट टॉप है, और मैं उसे बहुत बार हर जगह पहन चुकी हूँ। वो इतना है कि मेरी मॉम उसे मेरा यूनिफॉर्म कहती है, बट या दैट ग्रीन टॉप इज़ माय फेवरेट। एंड इस साइड हम मैंने अपना सारा जीन्स, बैग्स और ये सब सामान रखा है। ऐसे तो मेरे पास काफ़ी बैग्स है, तो हर बार जब मुझे मॉम को कन्विंस करना पड़ता है तो थोड़ा मस्का लगाना पड़ता है, बट मॉम को भी शौक है और वो अपना शौक मेरे थ्रू पूरा करती है। तो जब अगर उन्हें लगता है कि मेरे पास कोई कलर नहीं है, या मेरा कोई पुराना बैग जो है वो ख़राब हो गया है, तो मिल जाता है नया बैग,
बट थोड़ा मस्का लगाना पड़ता है। यहीं से भाई साहब मेरी सनस्क्रीन वगैरह उठा के लेके जाते हैं। यहाँ पे भी और सामान पड़ा हुआ है और ये मेरा मेकअप का ड्रॉर है बेसिकली, तो यहाँ पे मैं मेकअप रख के, फिर यहाँ मेरा मिरर है तो यहाँ मैं रेडी होती हूँ। एंड यहाँ हमने एक लाइट लगाई है मिरर के आसपास ताकि मेकअप करते वक्त एक वार्म लाइट चाहिए होती है। एंड इस मिरर के पीछे ही मेरा वॉशरूम है तो जब कोई पहली बार आता है वो वॉशरूम ढूंढता रह जाता है बेचारा। ये सारे मेरे, सो दिस इज़ माय सर्टिफिकेट ऑफ मास्टर्स इन भरतनाट्यम जो मुझे मेरे आरंगेत्रम के दिन मिला था, और ये सब मेरे स्कूल की ट्रॉफीज़ है। ऐसे तो और बहुत सारी ट्रॉफीज़ है बट हमने कुछ लगाई है यहाँ पे, बिकॉज जैसे मेरा कैरेक्टर है स्कूल फ्रेंड्स में वैसे ही मैं रियल लाइफ में भी थी, एकदम ही स्टूडियस और बहुत ही अच्छी बच्ची, तो ये सब मेरे स्कूल के जीते हुए अवार्ड्स हैं। माय स्टडी टेबल, जहाँ अब तो मैं नहीं पढ़ती हूँ बट जब मैं लास्ट ईयर तक पढ़ाई कर रही थी तब तक मैं ऑलमोस्ट यहाँ बैठती थी हर रोज़। एंड ये मेरा एक सॉफ्ट बोर्ड है जहाँ पे मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ अपनी फ़ोटोज़ लगाई है। ये एक प्यारा सा कोट है जो मेरी मॉम ने यहाँ लगाया है ताकि मुझे वो याद देती रहे कि वो मुझे कितना प्यार करती है। एंड ये मेरे कुछ मेडल्स वगैरह हैं जो मैंने ओलंपियाड्स और इन सब में जीते थे स्कूल में। मैं शिवांश की तरह स्पोर्टी बिल्कुल नहीं हूँ तो मेरे जितने भी मेडल्स हैं वो सब पढ़ाई से रिलेटेड ही है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। बट या दीज आर ऑल पिक्चर्स, कुछ मेरे फ्रेंड्स ने मुझे गिफ्ट की थी। ये अवार्ड भी जो है मुझे पढ़ाई के लिए ही मिला है, बिकॉज मुझे 10th में 95% आए थे। इसका नाम मैंने पिंगू रखा है और ये तो मिनियंस है तो मैं इनको मिनियन ही बोलती हूँ। इसका नाम ब्लूबा था, ऐसा कुछ तो था, मैं छोटी थी तो मुझे याद नहीं, और इसका भी मैंने कुछ तो नाम रखा था मुझे याद नहीं। और ये तो कार्टून कैरेक्टर है, ये है वो फ़ोटो जिसकी मैं बात कर रही थी। तो ये एक्चुअली बहुत साल तक वॉल खाली था एंड मॉम बोलती थी बेटा कोई एक फ़ोटो बता दे जो तुझे अच्छी लगती है, बट मैंने उनको, ऑब्वियसली आप खुद के कोई एक फ़ोटो कैसे चूज़ कर सकते हो, मुझे तो कोई भी इतनी अच्छी नहीं लगती थी कि मैं उसको बढ़ा करके लगा दूँ, बट मॉम को ही बहुत पसंद थी तो उन्होंने एक वैलेंटाइंस डे पर मुझे गिफ्ट किया था, बिकॉज शी वॉज टीचिंग मी सेल्फ लव, शी इज़ लाइक खुद से प्यार करना सीखो बेटा, आई वॉज लाइक ओके मॉम। तो या दैट इज़, मेरे रूम में गिटार है तो एक्चुअली अभी रिसेंटली मैं और मेरे भाई हम दोनों ने गिटार सीखना शुरू किया है। सो हम दोनों को सिंगिंग और म्यूज़िक के बारे में और सीखना था, तो मेरा भाई तो काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स बजाता है, ही प्लेज़ कॉन्गो बोंगो ड्रम्स ये सब, पर मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं आता था तो आई वॉज़ लाइक कि एक इंस्ट्रूमेंट सीख लेते हैं। सो अभी मैंने ज़्यादा नहीं सीखा है, जस्ट सारे गामा जिंगल बेल बहुत रिसेंटली हमने स्टार्ट किया है, बट दिस इज़ माई गिटार जो मैं बजा के नहीं दिखाऊँगी अभी बिकॉज मुझे इतना अच्छे से आता नहीं है। घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी इक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी इक जिंदड़ी। भाई नविका के घर की सैर तो कर ली, अब बारी है उनकी मम्मी से मिलने की। भाई अपनी मम्मी की लाडली है नविका, ऐसे में दोनों ने एक दूसरे के बारे में कई सारी बातें बताई और दोनों ने साथ साथ मिलकर बनाई यमी यमी कॉफी। अब मैं आपको ले जाती हूँ मेरे मॉम के रूम में, और मेरे मॉम डैड तो अभी ऑफिस गए हुए हैं बट मॉम यही है, तो मैं आपको मॉम से भी मिलवाती हूँ, ठीक है? लेट्स नॉक। मे आई कम इन मैडम? यस, मिलिए मेरी प्यारी मम्मी से। हाय बिंदु कोठिया, जिसे हम मम्मी कोठिया बोलते हैं। बचपन में बहुत खाया इसलिए मैं बहुत मोटी थी, अब खाना पीना सब छूट गया है, सब एक्टिंग करनी है। में एक्टिंग का मुझे भी शौक था, मेरे बच्चे मतलब कुछ अलग करे सबसे, तो और फिर इन्होंने मुझे सपोर्ट किया। पेरेंट्स तो सभी चाहते हैं कि बच्चे कुछ करें लेकिन बच्चे भी होने चाहिए ना, पर इन्होंने मेरे सारे ड्रीम्स पूरे किए और स्कूल में हर एक्टिविटी में आगे रहे और मुझसे चार कदम ही आगे निकली। तो स्कूल की मतलब रैंड प्रिंसेस से लेके स्कूल की बैंड तक की कैप्टन लीडर थी, प्रेसिडेंट थी स्कूल की। तो और स्कूल में आज इसको 6 साल हो गए स्कूल छोड़े, अभी भी स्कूल के प्रिंसिपल इसको हर काम के लिए बुलाती है। इवन इतना ही स्मार्ट इसका भाई है, वो भी प्रेसिडेंट रह चुका है स्कूल का और सब कैप्टन रह चुका है,
दोनों भाई बहनों ने बहुत स्कूल मतलब गुड बुक्स में थे बच्चे, दोनों को अभी भी टीचर्स याद करती है, कुछ भी काम होता है तो प्रिंसिपल यही कहती है नविका शिवांश को बुलाओ। तो मॉम ने हमेशा से कम्पेटिटिव बनाया है कि आप ये भी ट्राई करो वो भी ट्राई करो और उसमें एक्सेल करो, तो इन्होंने ही हमें वो आदत डाली है कि हर चीज़ सीखो हर चीज़ ट्राई करो। बचपन में हर हॉबी क्लास में डाला इन्होंने, हर हॉबी क्लास में। तब तो मैं रोती थी कि क्यों, बट अब अच्छा लगता है कि चलो थैंक गॉड इन्होंने डाला, तो आज उन 10 चीज़ों में से मैंने 2-3 चीज़ें पकड़ी जो मुझे अच्छी लगती थी और वो कंटिन्यू किया। मैं बना तो लेती हूँ कॉफ़ी, बट मुझे मॉम के हाथ की ज़्यादा पसंद है। अगर आपको अच्छी पीनी है अच्छी पीनी है तो इनको बोलो ये पिलाएंगी। और तो अगर ठीक चलो ना आप ही चलो आप बनाओ मैं आपके साथ रहती हूँ आ जाओ। मैं 12 दिन अजमेर थी तो इसने लाइफ में फर्स्ट टाइम दाल बनाई, आमरस बनाया, रोटी बनाई, पर हाँ रोटी थोड़ी अलग थी, टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी जली हुई, पर दाल बहुत अच्छी थी कि भाई इसका आज भी वो दाल याद करता। पर मैं नहीं बनाती, मैं कहा जब तक मम्मी है मम्मी करे सारा काम। हम जितने हो सके उतने अतरंगे कप्स मग्स कलेक्ट करें, तो ये कुछ जो है वो गिफ्ट्स भी हैं, जैसे जितने भी फ़ोटो वाले आप देख रहे हो वो सारे गिफ्ट्स हैं, बट बाकी ये जो सिटीज़ वाले हैं अलग अलग टाइप के वो हमारा कलेक्शन है, थोड़ा हमने कहीं और भी रख रखा है। तो ऐसे बहुत सारे मग्स हैं हमारे पास, ऊपर भी आप देखोगे तो एक फुटबॉल के शेप पे मग है, एक बड़ा सूप बॉल है, एक मेसन जार है, तो अलग अलग टाइप्स के हमने ग्लासेस और मग्स ऐसे शौक। पहले हम कॉफी डालेंगे फिर हम शक्कर डालेंगे। नहीं, कॉफी पहले अगर इस पर डाली तो फट जाएगी, वो ओवन में जब दूध गर्म करते हैं ना तो पहले कॉफी फटेगी दूध फटेगा, दूध ही फटेगा, कॉफी कहाँ फटती है। वही वही शक्कर डालो। तो पहले हम शक्कर डालेंगे। सर आप चीनी कितनी लेंगे? ऐसे बोलते ना लड़के आप। ये देखो सॉरी। कितनी चम्मच और एक बस कुछ तो करती है मम्मी अलग, उससे मस्त एकदम फ्रॉथी बन जाती है कॉफी। तो उसके ऊपर हम हॉट चॉकलेट जल्दी बनाते तो इसी से कर लेते। मुझे दिन में एटलीस्ट एक कप कॉफी चाहिए ही चाहिए, और कितनी अच्छी स्टारबक्स की पिला दो या कहीं की पिला दो मुझे मॉम के हाथ की कॉफी ही चाहिए होती है। ये वो स्पेशल टेक्निक। जैसे कि हमने आपको बताया कि नविका नजर आ रही है Amazon Mini TV की वेब सीरीज स्कूल फ्रेंड्स में, तो कॉफी पीते पीते आइए जानते हैं नविका के किरदार के बारे में। सो अब हम यहाँ बैठेंगे मेरी मॉम की बैल्कनी में जहाँ हम यूजुअली शाम को बैठ के कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, एंड यहाँ से नेशनल पार्क दिखता है, तो नेशनल पार्क के व्यू का मज़ा लेते हुए हम कॉफ़ी पियेंगे। तो जब मैंने स्टार्टिंग में स्क्रिप्ट पढ़ी थी तब मुझे ऐसा लगा था कि ये कंटेंट बहुत फ़नी है, बट फिर जब उन्हें भी मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लगा और मैं लॉक हो गई, उसके बाद हमने वर्कशॉप्स की, मैंने पूरा कैरेक्टर पढ़ा और समझा, एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज्ड कि ये वाकई में शो मेरे लिए ही बना है, एटलीस्ट स्तुति का कैरेक्टर, क्योंकि वो एकदम मेरी जैसी है। हाँ स्तुति शायद थोड़ी और शांत है, मैं थोड़ी मस्तीखोर थी, बट अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे स्तुति भी अपने नए दोस्तों से मिलती है कॉमर्स में आके और वो भी मस्तीखोर बन जाती है। सो बाय द एंड ऑफ द सीरीज़ तो स्तुति और नविका में कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो आई थिंक ये मेरे लिए ही लिखा था। मैं हर रोज़ एक नई स्टोरी आके घर पर सबको बताती थी, क्योंकि हम पाँचों
बच्चों का ऐसा बॉन्ड बन गया था सेट पे, जो टचवुड अब भी वैसा ही बरकरार है। और हमारे जो डायरेक्टर सर थे, ही इज़ ऑल्सो प्रिटी यंग एंड ही इज़ अ वेरी फनी मैन। तो हम छः मिलकर इतनी मस्ती करते थे, मतलब हम शॉर्ट के बीच में, जैसे हम क्लास के बीच में हैंड क्रिकेट नहीं खेलते थे कि बिना आवाज़ के गेम चल रहे, वैसा हाल था हमारा सेट पे। और कभी कोई कहानियाँ बता रहा है तो रमन सबकी मिमिक्री कर रहा है, मैं सबके लिए घर से टिफ़िन लेके जाती थी एक्स्ट्रा बना के, मॉम बना के देती थी सबको, और हम सब अपना टिफ़िन शेयर करके खाते थे। तो पूरा एक्चुअल में ऐसा ही था जैसे हम स्कूल या ट्यूशन के दोस्त हैं, और वो हमारे एक बड़े ही चिल से सर है जो हमारे डायरेक्टर सर थे। तो बहुत ही एक यादगार एक्सपीरियंस है जो मैं अभी भी बहुत मिस करती हूँ। अगर लोगों को अच्छा लगा तो शायद इसका सीज़न 2 बन सकता है, बट अब तक तो मुझे हर रोज़ कम से कम 5-6 मैसेजेस आते ही हैं, कमेंट्स आते हैं इतने सारे कि उन्हें ये शो बहुत अच्छा लग रहा है, उन्हें मेरा कैरेक्टर बहुत पसंद आ रहा है, और ये शो में उनको कुछ ना कुछ रिलेटेबल लग ही रहा है। तो आई थिंक सो फार तो द रिस्पॉन्स इज़ वेरी नाइस, तो उसको नज़र रखते हुए आई थिंक वो एक सीज़न 2 बना सकते हैं। एंड अभी तो अनिर्बान और स्तुति की कहानी भी उन्होंने एक ऐसे मोड पे छोड़ी है कि सब जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा। ऑनेस्टली मैं भी जानना चाहती हूँ कि आगे क्या होगा, सो आई होप इसका सीज़न 2 जल्दी बने। वैसे नविका बहुत अच्छी डांसर है, तो आइए देखते हैं नविका के डांस मूव्स। भी तैयार हो जाइए नविका को एक नए अंदाज और नए किरदार में देखने के लिए। वैसे इसी के साथ खबरें आ रही हैं कि नविका आने वाले सीरियल क्योंकि सास माँ बहू बेटी होती है में भी नजर आ सकती है। तो भाई हमारी तरफ से नविका को ऑल द बेस्ट, और उम्मीद करेंगे कि नए नए किरदारों में यूं ही वो अपने दर्शकों का मनोरंजन करती रहे। हाय, सो मैं हूँ नविका कोटिया, और ये था मेरा हाउस टूर या मेरा डे आउट या जो भी आप इसे कहना चाहते हो। बस मुझे तो आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगा। मैंने आपको डांस करके दिखाया, गिटार बजा के दिखाया, कॉफ़ी बनाई एंड बहुत सारी बातें की। तो नाउ आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ मेरा शो अमेजोन मिनी टी वी पर जाके देखिए, उसका नाम है स्कूल फ्रेंड्स, और मैं उसमें स्तुति बनी हूँ, और उसमें और भी बहुत सारे किरदार हैं जिनसे आप पक्का रिलेट कर पाओगे क्योंकि वो स्कूल लाइफ के ऊपर है, एंड अपनी स्कूल लाइफ किसको यादगार नहीं लगती। So yeah, this was my day and thank you so much for coming. मुझे बहुत मज़ा आया and I'll see you again soon. यहाँ पे भी और भी अलग जगहों पे, अलग स्क्रीन पे, अलग प्रोजेक्ट्स के साथ. So till then, take care, love you all, bye. मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है तो आपको पता है क्या करना है, आप इसे लाइक करें, और हाँ, अपना कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। देखिए, नाम तो आप सबको पता ही है, सास बहू और बेटियाँ।